नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की, और खबर बहुत बड़ी है जो हल्द्वानी से मिल रही है। और उपवास पर बैठ गए गोविंद सिंह कुंजवाल उपवास पर बैठ गए हैं। बड़े लीडर हैं, बड़े नेता है कांग्रेस के, और वो उपवास पर बैठ गए हैं। स्पीकर रहे हैं पूर्व, और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि वो उपवास पर बैठ गए हैं, और वजह है लॉकडाउन में खामियों को लेकर नाराज हैं वो। प्रदेश सरकार की नीतियां लॉकडाउन को लेकर जो है उससे नाराज है। धरातल पर उनका मानना है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। शाम 4 बजे तक उपवास पर गोविंद सिंह कुंजवाल रहेंगे, ये बड़ी खबर आपको दे दें। ये कहते हैं कि वो स्थिति हम प्रारंभिक पहले चरण के लॉकडाउन में भी नहीं हमको देखने को नहीं मिली। उसमें भी लॉकडाउन था, लेकिन कुछ लोग उसका भी अनुपालन नहीं कर रहे थे, उसको भी इग्नोर प्रशासन कर जा रहा था। और उसका दूसरे तीसरे लॉकडाउन में तो अब स्थिति यह है कि हमने काम भी देखना है, लोगों का काम भी होना है, आर्थिक स्थिति भी देखनी है, तो उसके लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ रूपरेखा तैयार होनी चाहिए थी। तो रूपरेखा तैयार होनी चाहिए थी, धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। शाम को 4 बजे तक का वक्त जब वो उपवास पर बैठे रहेंगे, तो विरोध स्वरूप उपवास में बैठ गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यों से खुश नहीं है। उनका ये मानना है कि लॉकडाउन के दरमियान वो भी इस फेज में जब हमें कोरोना को भी रोकना है, आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करना है, तो ऐसे में कुछ हो नहीं पा रहा है। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, गोविंद सिंह कुंजवाल का ये कहना है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल उपवास पर बैठ गए, हल्द्वानी में उपवास पर बैठे हैं। और हरीश रावत दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। प्रीतम सिंह की बात करें, वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उपवास पर बैठेंगे, उपवास पर बैठ गए हैं गोविंद सिंह कुंजवाल। और अंकित शाह हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, कितने दिन का ये उपवास होगा? क्या रोजाना बैठेंगे या फिर एक दिवसीय उपवास? क्या कुछ कहना है गोविंद सिंह कुंजवाल का? क्या कुछ नाराजगी है, क्या कुछ कमियां उनको दिख रहे हैं लॉकडाउन के दरमियान प्रदेश में, वो आप दर्शकों को बताएं। राजीव, आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर के विधायक एक दिन के उपवास में आज बैठ गए हैं, और प्रदेश सरकार की जो ढीली व्यवस्था है उस पर नाराजगी गोविंद सिंह कुंजवाल ने जताई है। जिस तरह से कोविड का समय चल रहा है, लॉकडाउन का स्थिति हो रही है, और प्रदेश में जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी व्यवस्था सरकार सही से नहीं कर पा रही है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से प्रवासियों को बसों में भेजा जा रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, उससे खासा नाराज यहां पर गोविंद सिंह कुंजवाल नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसी के मद्देनजर मैं आज यहां पर एक दिन का उपवास कर रहा हूं। वहीं इसके साथ साथ गोविंद सिंह कुंजवाल ने ये भी कहा कि जो प्रदेश सरकार की रणनीति है वो सही से नहीं है, क्योंकि प्लानिंग। अंकित, एक और बात बताइए, क्या प्रदेश के कांग्रेस के बड़े दूसरे नेताओं का समर्थन है उन्हें? देखिए, अभी खुद गोविंद सिंह कुंजवाल जी तो भी खुद बैठे हैं, इस बारे में उन्होंने बात करने से पीछे हटे थे, क्योंकि जब हम लोगों ने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मैं ही समर्थन में बैठा हूँ, और मैंने नाराजगी यहाँ पर स्पष्ट करी है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल, अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही तो आने वाली स्थिति और खतरनाक हो सकती है। जी अंकित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अभी वो व्यक्तिगत रूप से बैठे हैं धरातल पर, उनका ये मानना है, गोविंद सिंह कुंजवाल का ये मानना है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो हरीश रावत सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले चुटकी भी ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातों पर। प्रीतम सिंह भी प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वो सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच में गोविंद सिंह कुंजवाल उपवास पर ही बैठ गए, और विपक्ष के किसी भी नेता का या अब तक का बड़ा कदम लॉकडाउन के दरमियान देखने को मिला है। ऋषिकेश में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है, नेशनल हाईवे पर ट्रक में आग लग गई, ये खबर आपको दे रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। ये नेशनल हाईवे जहां ट्रक था, और ट्रक में आग लगी है मोतीचूर रेंज के पास में ट्रक में आग लगी है, ये बड़ी खबर इस वक्त ऋषिकेश से आपको दे रहे हैं। तस्वीरों को आप देख लीजिए, ये वेल्डिंग से निकली चिंगारी से बताया जा रहा है आग लगी। तो वेल्डिंग का काम चल रहा था, ट्रक खड़ा था, वेल्डिंग के काम के दरमियान चिंगारी निकली,
और देखते देखते पूरे ट्रक में आग लगी, धू धू कर वो जलने लगा। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रक में लगी आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें हैं, ऋषिकेश से तस्वीरें सामने आई जब ट्रक में वेल्डिंग का काम चल रहा था, लेकिन अचानक एक चिंगारी से ट्रक धू धू कर जलने लगा। ट्रक में कुछ सामान भी रखा हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। उसके बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। ऋषिकेश की तस्वीरें, नेशनल हाईवे पर ट्रक में आग लगी, वेल्डिंग के काम के दरमियान ट्रक में आग लगी। खबर अब आपको हरिद्वार से हम देंगे, जहां पर मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची है। पांचवी स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर, प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर हरिद्वार पहुंची है। एक और बड़ी खबर, मजदूरों को लेकर ये ट्रेन पहुंची है, पांचवी स्पेशल ट्रेन ये पहुंची है हरिद्वार। जयपुर से ये ट्रेन चली थी और अब धर्मनगरी पहुंच गए हैं। और इस ट्रेन में चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार जिले के, इसके साथ साथ पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी जिले के यात्री सवार हैं, शामिल हैं। सो हरिद्वार ये ट्रेन पहुंची है। कुल 1308 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन पहुंची है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो प्रवासी उत्तराखंडियों के वापस आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक और ट्रेन पहुंची है, पांचवी श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो पहुंची है हरिद्वार। और हरिद्वार से ही इनको, जो लोग पहुंचे हैं उनके गृह जिलों तक भेजा जाएगा। खबर अब हल्द्वानी से, जहां पर लाल कुआं में स्पेशल ट्रेन आने वाली है। लाल कुआं स्पेशल ट्रेन आएगी और यह स्पेशल ट्रेन आएगी अहमदाबाद से। अहमदाबाद से यह स्पेशल ट्रेन 1400 लोगों को लेकर पहुंचेगी लाल कुआं। यह खबर आपको हल्द्वानी से दे रहे हैं। ट्रेन एक हरिद्वार पहुंची है और अब एक और ट्रेन आने वाली है। यह स्पेशल ट्रेन है जो लाल कुआं से, लाल कुआं में पहुंचेगी, हल्द्वानी लाल कुआं ट्रेन आएगी। और ये ट्रेन आने वाली है गुजरात के अहमदाबाद से। कुल 1400 लोगों को लेकर ये ट्रेन आने वाली है। 1400 लोगों को ये ट्रेन लेकर आएगी। तो रोजाना हजारों की संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी लोगों को लाया जा रहा है। और इसी खबर पर अंकित शाह भी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अंकित, अब से कितनी देर बाद ट्रेन आएगी और इस ट्रेन में उत्तराखंड के किन किन हिस्सों के लोग होंगे? देखिए राजीव, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड के लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनको लाने का प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले काठमांडू एक ट्रेन आ चुकी थी सूरत से, और अब अहमदाबाद से लालकुआ ट्रेन आ रही है जिसमें 1400 प्रवासी यहां पर आएंगे। फिलहाल ये ट्रेन लगभग कल शाम 4 बजे तक पहुंचेगी, उम्मीद बताई जा रही है 4 बजे तक पहुंचेगी। वहीं जितने भी प्रवासी आ रहे हैं लगभग कुमाऊं के क्षेत्र के हैं और 700 से ज्यादा प्रवासी पिथौरागढ़ जिले के हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रखी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज बढ़े हैं वो प्रवासियों के आने पर ही बढ़े हैं, इसलिए नैनीताल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जितने भी प्रवासी आएंगे उनका मेडिकल किया जाएगा, जो सही होंगे उनको उनके घर भेजा जाएगा। और बात करें अब यहाँ पर इनको घर तक ले जाने के लिए लगभग 60 से 70 बसेस लगाई गई है प्रशासन की ओर से, और अब इस ट्रेन का आने का इंतजार है। और प्रदेश सरकार कोई भी ऐसी खामियां नहीं बरतना चाहता जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कतें हो। वहीं प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, और नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जिला प्रशासन भी जिस पर पूरी तरह से अलर्ट है। राजीव, अंकित, जब ये ट्रेन पहुंचेगी तो जैसे ही ये लोग उतरेंगे, जैसे भी प्रवासी उत्तराखंडी ट्रेन से उतरेंगे, तो उसी वक्त इन लोगों को उनके गृह जिलों के लिए भेज दिया जाएगा, जिसमें आपने बताया कि 700 के करीब तो सिर्फ पिथौरागढ़ से लोग हैं, तो उसी वक्त भेज दिया जाएगा या फिर इनकी जांच होगी और कुछ वक्त हल्द्वानी में रखा जाएगा क्वारंटीन में? देखिए राजीव, ये 4 बजे तक उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रेन आ जाएगी, और जितने भी प्रवासी हैं उनका यहाँ पर मेडिकल चेकअप होगा, और जो जिनका एरिया नजदीक पड़ता है उनको प्रशासन भेज दिया जाएगा, बाकी लोगों को हल्द्वानी रखा जाएगा और उसके बाद उनके स्थान पर इनको भेज। जी अंकित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो शाम को 4 बजे तक ये ट्रेन पहुंच जाएगी, उसके बाद जांच होगी हल्द्वानी में, और उसके बाद उनके गृह जिलों के लिए भेजा जाएगा सभी लोगों को। चंपावत में भीषण सड़क हादसा हुआ है,
एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ये सभी लोग फरीदाबाद से पिथौरागढ़ जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में चंपावत में इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। इनोवा कार जो कि दिल्ली से आ रही थी, उसमें 5 यात्री सवार थे, तो सुखी टांग के पास एक गहरी खाई करीबन 200 मीटर खाई में गिरी है। उसकी सूचना जैसे में प्राप्त हुई, पुलिस विद SDRF और डॉक्टर्स की और प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई, जिसमें 2 लोगों की तो मौके पर ही हमें मृत्यु हो चुकी थी, तो 3 लोग को हमारे द्वारा इवैक्यूएशन किया गया और यहाँ लेके आया गया। यहाँ पर आने के बाद एक की मृत्यु और हो चुकी है। उत्तराखंड में सरकार ने राशन की मात्रा को बढ़ा दिया है। पहले पीले राशन कार्डों पर 7.5 किलो राशन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 20 किलो कर दिया गया है। इसमें 10 किलो चावल है तो 10 किलो गेहूं हर महीने दिया जाएगा। वहीं कुछ लोग राशन न मिलने की भी शिकायत कर रहे हैं, जिस पर उत्तराखंड खाद्य सचिव सुशील कुमार का कहना है कि राशन की मात्रा को बढ़ाने का फैसला बाद में लिया गया, इस वजह से राशन उठान को लेकर समय लगा है। मई महीने में करीब 55% राशन वितरण हो चुका है। जो खाद्यान्न राज्य खाद्य योजना का खाद्यान्न है, वो पूर्व में 7.5 किलो मिलता था, अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पीले राशन कार्डों पर 20 किलो प्रतिमाह दिया जाएगा, 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं। मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल माह में अप्रैल और मई का दोनों मिला के लगभग 55% वो खाद्यान्न वितरण हो चुका है और अन्य क्षेत्रों में भी वितरण की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रवासी लोगों के लौटते ही बढ़ने लगे हैं केसेस, बढ़ने लगा है कोरोना का संक्रमण, पैर फैलाने लगा है कोरोना वायरस। हफ्ते भर में 20 नए केसेस आए, सिर्फ हफ्ते भर के भीतर 20 केसेस सामने आए हैं उत्तराखंड में। कोरोना से जुड़ा हुआ यह बहुत बड़ा अपडेट, उत्तराखंड में कोरोना के 82 पॉजिटिव केसेस इस वक्त हैं। 82 पॉजिटिव केसेस अब तक हो गए हैं, संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। चिंताजनक बात यही है कि प्रवासी मजदूर, प्रवासी उत्तराखंडी जैसे जैसे पहुंच रहे हैं, कोरोना के केसेस वैसे वैसे बढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरे राज्यों से अपने घर लौटने वाले लोगों से अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये सारे के सारे लोग बाहर से आए हैं और लॉकडाउन के पहले से ही वहां रह रहे थे और उसके बाद यहाँ अभी पास वगैरह लेकर के आए हैं, तो उन किसी एरिया को ऐसे सील करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ पर इनकी मिक्सिंग नहीं हुई है, वहाँ पहले से रह नहीं रहे थे। लेकिन एक जो रैंडम सैंपलिंग से ये फ़ायदा हमें ज़रूर मिल रहा है कि हम लोगों को जो है ऐसे लोगों को छाँट पा रहे हैं। और जो ये रैंडम सैंपलिंग हो रही है, इसके पीछे भी एक लॉजिक ये रखा गया है कि ऐसे लोग जो हॉस्पिटल से कोई इलाज करा के लौट रहे हैं या उनकी एज 65 ईयर के ऊपर है। और रवि कैंतुरा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बात तो तय है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो कोरोना लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि जब उनको लाया जा रहा है, उनको इसी आधार पर लाया जा रहा है कि वो स्वस्थ हैं, चाहे वो ट्रेन में, उनको ट्रेन में बैठने भी तभी दिया जा रहा है जब उनकी जाँच हो जा रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट उनका एकदम परफेक्ट है, जब वो ठीक हैं स्वस्थ हैं तभी, बसेस में भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे में फिर कोरोना कैसे पहुंच रहा है उन लोगों के जरिए? क्या ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो बिना किसी जांच के प्रदेश में पहुंच पा रहे हैं, घुस रहे हैं? जी राजीव, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि जब पूरा परीक्षण हो रहा है तो उसके बाद जो कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो इस पर सीधी सी बात यह है कि जो भी परीक्षण हो रहा है उसमें सिर्फ जो है टेम्परेचर ही नापा जा रहा है, किसी व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है, तो इससे जो है पूरा टेस्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को वापस लाना है और उनका जो है पूरी तरीके से जो है वहां पर टेस्ट करना, जिस जगह से उनको ला रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा जो एक अच्छी बात की गई है वो ये है कि बॉर्डर से सैंपलिंग ली जा रही है, जिसके बाद कोरोना केस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो पॉजिटिव लोग बसों में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति उनके साथ साथ में आ रहे हैं उन लोगों को यह संक्रमण हो सकता है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो है प्रशासन को एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं
अगर वो उदाहरण के तौर पर अगर वो अपना जो है शौचालय भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या बार बार शौचालय सैनिटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम सवाल जो खड़े होते हैं। लेकिन मजबूरी है कि इन लोगों को वापस भी लाना है और प्रदेश को बचाना भी है, तो इस तरीके से संक्रमण रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक सतर्कता है कि सोशल डिस्टेंस नहीं बन पा रहा है, उस पर फोकस करने की आवश्यकता महसूस होती है। जी रवि, इसके साथ साथ दर्शकों को इस वक्त का अपडेट भी दे दीजिए कि एक्टिव केसेस कितने हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग स्वस्थ हो गए हैं। जी राजीव, देखिए जो अभी तक पूरे केस उत्तराखंड में आए हैं वो 82 केस आए हैं और 82 में से 51 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हो चले हैं, यानी कि डिस्चार्ज हो गए हैं। तो अब जो संख्या जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो देहरादून में बड़ी है, लेकिन देहरादून में एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर रिकवरी रेट अच्छा है, जिस वजह से लोग जो है लगातार स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ा है उसमें एक अच्छी बात यह है कि 51 लोग ठीक हो गए, एक कोरोना पेशेंट की मौत भी हुई है अभी तक उत्तराखंड में, जो ऋषिकेश एम्स में ये महिला भर्ती थी। तो जो आंकड़ा है वो जो बड़ा है, अगर पिछले 5 दिनों पर अगर हम गौर करेंगे तो ये 5 दिनों में आंकड़ा जो बड़ा है, सारे लोग प्रवासी हैं जो बाहर से लौटे थे, यानी कि अभी कम्युनिटी में किसी तरीके का संक्रमण नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 51 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं, एक की अब तक मौत हो गई है और बाकी एक्टिव केसेस हैं। उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को इन दिनों वापस उनके घर लाया जा रहा है, जिसके लिए सरकारी और निजी परिवहन कंपनियों से जुड़े हुए चालक काम में लगे हुए। और कोटद्वार में कुछ चालकों का आरोप है कि ना तो उन्हें खाना मिल रहा है, ना ही सैनिटाइजर और कोरोना से बचाव का कोई दूसरा सामान, कुछ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और दूसरा ये सैनिटाइजर, मंत्री जी ने हमको वो कहा था कि हम सैनिटाइजर भेजेंगे, किट भेजेंगे, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं आया है। परिवहन विभाग की तरफ से परिवहन विभाग की तरफ से थोड़ा बहुत हमको वो मिल रहा है सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स मिल रहे हैं, बाकी हमें कोई वो नहीं कर रहा है। यहाँ उधर बीटीसी शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि ये फैसला शिक्षकों के लिए काफी राहत भरा है। 16,608 शिक्षक जिनकी नौकरी संकट में थी, इस समस्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार में हमने लगातार भारत सरकार में प्रयास किया, मेहनत किया और हमारी इस प्रयास को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। मैं विशेष तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय पोखरियाल जी का, मैं उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बीटीसी शिक्षकों के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने काफी कोशिशें की थी। बलूनी ने इस मुद्दे को पिछले साल राज्यसभा में भी उठाया था, जिसके बाद इसके लिए एक्ट में संशोधन तो किया गया था, मगर इसकी मान्यता की अधिसूचना फाइलों में अटकी रही। ये बड़ा संतोष का क्षण है कि 16,000 से अधिक विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। बहुत लंबा संघर्ष चला और एक समय ऐसा लगता था कि 16,000 से अधिक परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने हमारी इस मांग को माना, मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं। वर्तमान में इस विभाग के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का और पूर्व में जिन्होंने इसके लिए नींव रखी ऐसे मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का भी आभारी हूं। मैं तमाम विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।